बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबर के साथ मैं हूं अबरार और आप देख रहे हैं अरब न्यूज़ उर्दू। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने गैर मुल्की वर्कर्स के प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान किया है। इसका मकसद ये जानना है कि आया सऊदी अरब में बरसरे रोज़गार हुनरमंद मतलूबा पेशा वाराना सलाहियत के मालिक हैं या नहीं। इस टेस्ट का मकसद सऊदी लेबर मार्केट के पेशा वाराना मियार को बेहतर बनाना है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि पहला मरहला अख्तियारी होगा और इसकी शुरुआत 8 मार्च 2021 से होगी। वज़ारत ने प्रोफेशन टेस्ट के ख्वाहिशमंद तमाम इदारों से कहा है कि वो पीर से इसका आगाज़ कर दें, जबकि पेशा वाराना टेस्ट लेने वाले सेंटर्स को इंदराज की हिदायत कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने एतवार को सऊदी वज़ारत खारजा और पेशा वाराना और तकनीकी तरबियत के आला इदारे के तावन से प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम की तफसीलात जारी की हैं। इसके ज़रिए ये पता लगाया जाएगा कि हुनरमंद में अपने पेशे के तकादे पूरे करने के लिए बुनियादी इस्तेदाद मौजूद हैं या नहीं। इस हवाले से हर हुनरमंद का इसके शोबे के हवाले से नज़रियाती इम्तिहान होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़राए ने तवज्जो दिलाई है कि दरअसल सऊदी अरब में पेशावर हुनरमंदों के वीज़ो पर बहुत से ऐसे अफराद पहुँचे हुए हैं जो सही मेनू में हुनरमंद नहीं हैं। एक तरफ तो इनसे सऊदी मार्केट को छुटकारा दिलाया जाएगा और दूसरी जानब मुल्क में पेशा वाराना खिदमात का मियार बुलंद किया जाएगा, जबकि हुनरमंदों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि वर्कर्स का प्रोफेशन टेस्ट 2 मरहल में होगा। सबसे पहले तो इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स के तावन से हुनरमंदों का टेस्ट खुद उनके अपने मुल्क में सऊदी अरब से रवाना होने से कबल लिया जाएगा, जबकि दूसरा मरहला हुनरमंदों के सऊदी अरब पहुंचने पर नाफिज होगा। मुमलकत में रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर्स के तावन से सऊदी अरब में मौजूद हुनरमंदों का टेस्ट होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तमाम इदारों से अपील की है कि वो अंदरूनी मुल्क मौजूद हुनरमंदों का टेस्ट शुरू कर दें। जुलाई 2021 से पेशा वाराना टेस्ट तदरीजी तौर पर लाजमी करार दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।